हेलो एवरीवन। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पहला पार्ट क्या था टाइप ऑफ सिमेट्री का, जिसमें बताई थी मैंने ऑड सिमेट्री होती है, इवन सिमेट्री होती है और हाफ वेव सिमेट्री होती है। ठीक है, आई होप आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मैं डाल देता हूँ, ठीक है, उसमें मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में आके भी आप देख सकते हैं फोरियर सीरीज वाले सेक्शन में। तो इसमें देखो आज क्या करेंगे, आज और ज़्यादा शॉर्ट तरीके से करेंगे कैसे सिमेट्री को एक ही उस पर पहचानना रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पता लगाते हैं उसका पीरियड। पीरियड कैसे पता लगाते हैं, जो एक चीज़ रिपीट होनी चाहिए कहीं जाके, कैसे पता लगाएंगे देखो यहाँ से। अगर मैं कहूँ ये वाला डाउन फॉलिंग एज दोबारा से जाके कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसका ये पीरियड हो जाएगा। बस क्या हो गया इसका पीरियड, टी कस टू टू से लेकर टू माइनस वन, यानी टू माइनस माइनस वन कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड इसका पीरियड हो गया। ठीक है, अब हमें चेक करना इसको आधा आधा डिवाइड कर ले। मैं चलो यहाँ से डिवाइड कर लो 1.5, इतना इतना देखते हैं। क्यों देखते हैं, देखो 3 सेकेंड है ना, इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, हाफ इधर हाफ इधर। ठीक है, सिमेट्री पहचानने में आसानी रहेगी। तो अब जो हम देखें बात करेंगे यहाँ से बात करेंगे, ये जो पॉइंट है 1.5 वाला, माइनस 1.5 वाला, ये हो गया 1.5। 3 का आधा कितना होता है, डेढ़। डेढ़ डेढ़ को मैंने यहाँ से 0 से 1.5 कर लिया, 0 से 1.5 कर लिया, माइनस 1.5 कर लिया। ठीक है, 3 को। अब यहाँ से देखो इतनी वेव जितनी ऐसी इधर है इतनी ऐसी इधर है, ऊपर गया इधर गया, ऊपर गया इधर गया, तो सेम वो हो रही है। ठीक है, जैसी इधर है ऐसी उधर है, तो किस टाइप की सिमेट्री होगी, वाई एक्सिस के अबाउट कैसा है, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, जैसी इधर है ऐसी इधर बन रही है, तो कौन सी सिमेट्री हो गई, इवन सिमेट्री। ठीक है, दूसरा हाफ वे चेक करनी है। हाफ वे चेक करने के लिए मैंने क्या कहा था कि कोई भी आधा पीरियड पकड़ लो, आधा पकड़ने के बाद उसका इन्वर्टेड वर्जन बना दो। इन्वर्टेड वर्जन अगर सेम दिखता है आगे वाले नेक्स्ट नेक्स्ट हाफ के, तो हमारा क्या होगा, वो हाफ वेव सिमेट्री होगी, अदरवाइज नहीं। इसका हाफ मैंने पकड़ लिया यहाँ से यहाँ तक है ये, ठीक है, मैंने यहाँ तक पकड़ लिया हाफ इसका। इसका मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट फिर ये नीचे आएगा, देन ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये माइनस वन, ये माइनस टू, क्या ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये क्या रहा, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें हाफ वेव सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, ये आसान तरीका है, एक ही ग्राफ पे सारी चीज़ करनी है, नहीं तो बार बार करते हैं, पहले ये बनाते हैं फिर उसके बाद एफ ओ माइनस टी बनाते हैं, देन एम्पलीट्यूड रिवर्सल करते हैं, इतना काम नहीं करना। एक ही उस पर देखना, हाफ आधा पकड़ लिया इसको, आधा यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल बना लो, यहाँ से यहाँ तक देखो वन। एम्पलीट्यूड रिवर्सल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू कितनी है, 1 है, इसमें क्या करो माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस 1, यहाँ पे कर दिया माइनस 1, इसमें 2 में की माइनस 1 की, माइनस 2, माइनस 2 कहाँ आएगा, इसके नीचे माइनस 1 के नीचे, तो ऐसी वेव रिपीट कर दो बस। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ऐसे है नहीं है, तो क्या कर देंगे, ये इसका मतलब हाफ वेव सिमेट्री है नहीं, इसमें केवल कौन सी सिमेट्री है, इवन सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट वाले को देखो, इस वाले में बनाना, देखो कैसे चेक करेंगे हाफ इवन और वो वाली, पहले इसका पीरियड बताओ। देखो यहाँ से ये वाली चोंच कहाँ आकर रिपीट हो रही है, यहाँ पे आके, तो टी कस टू कितना हो गया इसका, 4 सेकेंड। 4 को 2 2 से डिवाइड कर लो, ताकि यहाँ से वो हो जाए, आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ तक किया एक, तो और यहाँ तक किया, तो आधी आधी वेव, इतनी इतनी वेव को ही देखूंगा बस मैं। देखो यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक ये इस टाइप से ऐसा आई, यहाँ पे ऐसा आई, सेम आई। ठीक है, फिर नीचे गई, फिर यहाँ पे ऐसे नीचे गई, तो कौन सी सिमेट्री हो गई, जैसा इधर था ऐसा ही उधर मिल गया मुझे, तो एक तो इवन सिमेट्री हो गई। अब ओड तो होगी नहीं, अगर इवन है तो ठीक है, ओड के लिए चेक ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या, हाफ वेव देखनी है। हाफ वेव के लिए एक बार मैं देखो बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस पर बनाऊंगा तो शायद ना दिख पाए। देखो यहाँ पे कैसे बनाते हैं, मैंने कहा जैसी ये दिख रही है, हाफ 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 पीरियड पकड़ लिया मैंने, इसका कितना होगा यहाँ से यहाँ तक। अब जो मैं पीछे वाले हाफ का इन्वर्टेड वर्जन बनाऊंगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए, वो इस टाइप का दिख रहा है ना, जेड टाइप का, तो इधर भी जेड टाइप का दिखा, तो हाफ वेव सिमेट्री होगी, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे इस पे बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे पहले 0 पॉइंट पाते हैं, 0 पे वैल्यू कितनी है, 2, तो 0 पर इसकी वैल्यू माइनस 2, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी हो जाएगी, माइनस 2,
ठीक है, पहला पॉइंट आ गया ये वाला, बस इधर पॉइंटों को मिला देंगे। नेक्स्ट ये पॉइंट वन है ना, वन पे कुछ कोई चेंज नहीं है। ये वाली चीज़ देखो ऊपर थी, ये नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वन वाली को तो ऐसे छोड़ते हैं। नेक्स्ट टू वाली को देखो, टू पे जो वैल्यू है इसकी माइनस टू है, मल्टीप्लाई करूँगा माइनस वन की, इसका कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस टू पे वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी। अब क्या करता हूँ, बस मैं इन पॉइंटों को मिला देता हूँ। यहाँ पे वन पे तो ऐसा ही था, ठीक है, कोई चेंज नहीं था। अब यहाँ पे देखो इसको, मैंने इसको मिलाया, देन इसको मिलाया। अब देखो चेक करके बताओ क्या ये जो सेम ही दिखता है ना, यहाँ पे इसको बिल्कुल मैच करो। ये पहले ऊपर गया ऐसा करके, फिर ये इधर आया। ठीक है, नेक्स्ट चेक करा हमने, ये सीधी लाइन, सीधी लाइन किस पे, माइनस वन पे, वहाँ पे वन पे होनी चाहिए ये लाइन। ठीक है, वन पे है भी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट वैल्यू कितनी है इसकी, माइनस टू, इसकी भी माइनस टू है। ठीक है, सेम दिखना चाहिए, बस ऐसा नहीं कि सेम वो होना चाहिए, उसकी वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोजीशन तो ये लाइनों की सेम होनी चाहिए, लेकिन लेकिन क्या कि लुक लाइक सिमिलियर दिखना चाहिए, अगले दूसरे वर्डों में क्या कहूँ तो। ठीक है, सिमिलर दिखना चाहिए। यहाँ पे देखो जेड टाइप का था, यहाँ पे जेड टाइप का दिख रहा, एक सेकंड में पता लग गया, अच्छा ये तो हाफ वेव सिमेट्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस हाफ वेव सिमेट्री। नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं, यहाँ पे देखो इसका पीरियड पता लगाओ, ऐसा नीचे जाकर डाउन कहाँ पे मिल रहा है मुझे, यहाँ पे, तो टी का कितना हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया कितना, यहाँ से तीन यहाँ तक है और एक यहाँ तक, तो टी का स्टू कितना हो गया, 4 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, क्या किस में, दो दो के पीरियड में डिवाइड कर लो। ठीक है, मैंने कर लिया, एक यहाँ से 0 से लेकर 2 तक हो गया, ये हो गया एक, ये माइनस टू से 0 तक हो गया। ठीक है, आधा आधा पीरियड में डिवाइड कर लिए, ऐसा कर लिया करो आसान पड़ेगा। पहले इवन के लिए चेक करा, 0 से 2 के लिए ऊपर है, 0 से -2 के लिए नीचे है, देखो इवन तो है नहीं। ठीक है, ऊपर ही होना चाहिए था तभी इवन होता। ओड के लिए चेक करते हैं, ओड के लिए मैं बता देता हूँ, अब इवन तो है नहीं, तो जो देखो इधर 0 से लेकर 2 के बीच में बना, इसे 0 से लेकर -2 के बीच में बना, उसी को यहाँ पर रिपीट करेंगे। मैं इसका एक बार बनाता हूँ, 0 से लेकर 2 कहाँ तक है ये, इसके नीचे ही बना देना। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना, ओड बना पता लगाने के लिए जो उस साइड बनी थी, पहले उसी चीज़ को यहाँ पर रिपीट करना। अगला काम क्या करना, अपने मन में सोचना, अगर मैं इसको इस पर कर दूँ, क्या कर दूँ, इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर दूँ, माइनस वन वाली चीज़ कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, तो मेरा किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा, ये इस टाइप का, यानी ये वाली चीज़ इस पर क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर लाई करना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली लाई कर रही है, तो क्या कहेंगे, ओड ओड फंक्शन है ये। ठीक है, ओड सिमेट्री है इसमें, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको इस पर फ्लिप कर दूँ तो ये इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो ओड सिमेट्री तो है, तो ओड के लिए क्या करना, पहले जो हाफ था उसको इसके नीचे बिल्कुल सेम टू सेम इधर पलट दिया, किसके, वाई एक्सिस के अबाउट, देन क्या करा उसका, उसको क्या कर दिया, यहाँ पे मन में सोचना कि ये इसके ऊपर आएगा जब एम्पलीट्यूड रिवर्सल करेंगे। ठीक है, जब हम इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर रहे हैं तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, इसी ट्राइंगल पर लाई कर जाएगा। देखो ये वाला ट्राइंगल है बिल्कुल उसके जैसा ही है, जब इसको मैं मोड़ूंगा तो इसी पर आएगा नहीं है, तो इसमें ओड हाफ, ओड तो सिमेट्री है। ठीक है, नेक्स्ट हाफ वे सिमेट्री चेक करते हैं। हाफ के लिए मैंने बताया था आधे आधे में डिवाइड कर लेते हैं, माइनस टू से 0 तक डिवाइड किया, एक 0 से लेकर 2 डिवाइड किया, उसके बाद क्या करते हैं, सीधा एम्पलीट्यूड रिवर्सल बना देते हैं उसका। माइनस वन पे इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस वन है, तो अगर माइनस वन पे इसमें माइनस वन की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, बाकी का सेम बना दो इस टाइप का। देखो अब यहाँ पे देखना कि ये जो हम बनाया जो उसके नेक्स्ट हाफ था उसके सिमिलर दिख रहा है क्या। देखो 0 से 2 के बीच में एक ट्राइंगल है, माइनस टू से 0 के बीच में क्या है, ट्राइंगल बना। ठीक है, बिल्कुल सेम लुक लुक अलग दिख रहा, तो क्या बोलेंगे, हाफ वेव सिमेट्री एग्जिट। ठीक है, तो एक ही ग्राफ पे ये सारे काम कर सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे नहीं बार बार ग्राफ बनाना, सबसे पहले मैंने बताया इवन के लिए सबसे आसान है, जैसा उधर होना चाहिए पीरियड पता लगा लो, उसके बाद हाफ हाफ पीरियड में डिवाइड कर दो उसे। ठीक है, 0 मतलब ओरिजिन से हाफ हाफ डिवाइड करने के बाद देखो कि इवन के लिए देखो कि सेम चीज़ आ रही है इधर भी। ठीक है, अगर ओड है तो क्या कैसे देखना, हाफ हाफ में डिवाइड कर लिए पहले पूरे पीरियड बताने के बाद। ठीक है, 0 से ओरिजिन से,
नेक्स्ट काम क्या करना है, जैसा उसके वो इधर बना हुआ था, हाफ में बना हुआ था, ऐसा ही उधर रिपीट करना। अगर ये ऊपर होता ना तो ऊपर ही बनाते, ठीक है। जैसा इधर बना हुआ, कहने का मतलब ऐसा ही उधर रिपीट कर देना। नेक्स्ट क्या करना, उसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल सोचना कि वो उसी जो फिगर बनी हुई है, ज्योमेट्री फिगर, उसी पे लाई कर रहा है क्या। अगर लाई कर गया तो हाफ वेव सिमेट्री, सॉरी ओड फंक्शन है वो। और उसके लिए मैं बताया, हाफ के लिए केवल पहले जो हाफ पीरियड है उसमें डिवाइड कर लिए, हाफ का क्या करना, एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर दो। अगर वो एक जैसा दिख रहा है नेक्स्ट वाले के, नेक्स्ट हाफ के, तो क्या होगा, हाफ वेव सिमेट्री एग्जिट, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये, अगर पेज खराब नहीं करने हैं तो एक ही कम से कम पेज पे हम इसी तरह से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही होगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।